नेशनल उर्दू हाई स्कूल अंबरनाथ में आल महाराष्ट्र उर्दू तकरीरी प्रतियोगिता सफल पूर्वक। कल्याण EUS संस्था की देखरेख में चलने वाली नेशनल उर्दू हाई स्कूल अंबरनाथ में ऑल महाराष्ट्र इंटर स्कूल एजुकेशन कंपटीशन आयोजित किया गया। ये प्रतियोगिता कार्यक्रम नेशनल उर्दू हाई स्कूल में स्वर्गीय आरिफ अंसारी साहब की याद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम हेतु कुल 43 स्कूलों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें मालेगांव, नासिक, मुंबई, मुमरा, भिवंडी और कल्याण की कुल 35 स्कूलों के 71 छात्राओं में से कुल 61 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें जूनियर ग्रुप के 32 और सीनियर ग्रुप से 29 छात्रों ने भाग लिया। सभी छात्रों को ट्रॉफी तथा सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम स्वर्गीय हाजी आरिफ अंसारी के बेटे अफ्फाल आरिफ अंसारी की अध्यक्षता में किया गया, जहां स्वर्गीय आरिफ अंसारी साहब के सभी घर वाले उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था के अध्यक्ष मीर सिंगे साहब, समीम इकबाल साहब और फरजाना साहिद साहिबा मौजूद थी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के उर्दू स्कूलों ने भाग लिया और पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे स्कूल में हमेशा आयोजित किया जाता है और आगे भी जारी रहेगा। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। और अपने आने वाले कौम के बच्चों के लिए पितृमान असातेजा और कौम के लोगों को देखिए, आरिफ अंसारी साहब मैंने अपनी जिंदगी जो है और यह बात जो है मैं देख रहा हूँ अक्सर आरिफ अंसारी साहब के अपने खानदान के लोगों ने भी इस बात को शायद अच्छी तरह रखा है कि ये अमल जो है बहुत ही अफजल अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबका दिया करो, ये तुम्हें हादसों और आफतों से बचाता है और इल्म का सीखना और सिखाना ये सबसे अफजल सबका है। तो इसकी अहमियत इतनी है, इसके लिए जो है हमको इल्म के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसकी हमको बहुत जरूरत है। आज तो बहुत 1400 साल पहले और आज तो इतनी हमारे ऊपर है कि हमको जो है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चों, हम मिडिल क्लास के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, और जो आज हालात है हिंदुस्तान के, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम आला से आला तालीम हासिल करें। और मैं हमारे लोगों से कहूंगा कि अफजल अंसारी साहब ने जो काम अपने वालिद का अधूरा छोड़ा है उसको अपने हाथों में लिया है। अल्लाह ताला इनको शरीर दे, ताकत दे। और मैं यहाँ के लोगों से ये अपील भी करूँगा कि इनकी मदद करें। कौम के लोगों को बहुत जरूरी है कि हमारे तालीमी इदारों को एक आला के बारे में इतना सब कुछ बता दिया है, तो इसमें कोई ऐसा कोई नहीं कि मैं हम लोग इतने बड़े हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग बड़े हैं, क्योंकि शहर जो है ये अंबरनाथ शहर मैडम एक मिनी भारत है। ये अंबरनाथ शहर एक मिनी भारत है। इस शहर में हिंदू मुस्लिम सभी पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हर नागरिक यहाँ रहता है और उनकी सेवा करने का मौका हमको दिया है और हम लोगों को इनके सेवा का जो मेवा है हम लोगों को मिला है। हमको कई बार नगर से बनाए हमारे भास्कर नगर के वार्ड में करीब करीब 500 वोटर जो है वो मुस्लिम समाज के, एक भी वोट हमारे खिलाफ जाता नहीं, इतने अच्छे लोग हैं। तो इसके लिए हमारा जो संबंध है, हमारे मम्मी भाई जब बैठे हमारे चाचा जो स्कूल चलाते थे, तो ये स्कूल के लिए जो जो अड़चे आई चाहते थे, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र है हमारे वहाँ स्कूल हरिफ भाई, हम लोग वो स्कूल के लिए भी
जो जो मदद करना चाहिए वो हम लोगों ने किया है। स्कूल अपने कुछ बंदों ने बंद करवाया, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे थे, स्कूल का जगह हड़प किया, उसके लिए भी हम लोगों ने मदद किया। हर चीज़ में कोई मेहरबानी नहीं किया, लेकिन कहीं भी कोई भी पढ़ता है, मैं आप सबको जैसे महाराष्ट्र से आए हुए सभी सदस्य आए, मैं मेरे कार्यकाल नगराध्यक्ष कार्यकाल में एक स्कूल बनाया यहाँ से 2 मिनट के अंतर पे, उसमें एक ही बिल्डिंग में उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी 4 भाषा के बच्चे पूरे महाराष्ट्र में एक ही जगह से एक ही बिल्डिंग में पढ़ते। उस वक्त अभी मैं शिवसेना पार्टी से हूँ, उस वक्त राज ठाकरे और नारायण राणे विरोधी पक्ष नेता थे, वो दोनों ने मिलिए बड़ा उसका ओपनिंग किया था उस स्कूल का। और बड़े यशु भाई जी सारे पत्रकार, वो भी हमें हमेशा हिंदी में बहुत कुछ सुनाते रहते, एक शेर शायरी सुनाते रहते, उससे हम थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं और बात भी कर सकते थे करते हैं। बाकी जितना मेरी सराहना की उतना हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोग एक अच्छे सीधे सारे आप सबके साथ काम करने वाले, सबको अमरनाथ में लेके चलने वाले। ये शहर का विकास अभी 3 दिन पहले 25 तारीख को मेरे प्रोग्राम में सम्माननीय मुख्यमंत्री आए थे अमरनाथ में, और उन्होंने मुझे लोग प्यार से आना बोलते, उन्होंने भी कहा था कि आप आना, और उन्होंने अमरनाथ का विकास, मैं अगर अमरनाथ में जो किया है हम लोगों ने तो अगर पढ़ के बताओ तो कहीं यूनिट कर जाएंगे, 100% कंप्लीट रोड है अमरनाथ के, अच्छे अच्छे स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, स्विमिंग पूल है, हर चीज़। उम्मीद करता हूँ उनके परिवार और वो खुद स्कूल तरीके की।